गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ अनीता शर्मा, क्लास टीचर ऑफ क्लास LKG। बच्चों आज हम मैथ की बुक में जो सेकंड चैप्टर है फुल और इम्परेटिव, आज उसे समझेंगे और उसे करेंगे भी। लेट्स बिगिन स्टार्ट। तो बच्चों जैसे आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक गर्ल्स है, उसने एक ट्री पकड़ा हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें ली हुई हैं। तो जैसे है इसमें स्केल है, सीज़र है, टेप है, मार्कर है और रिबन है। तो जैसे उसने एक ट्रे पकड़ा है, ट्रे में सारी चीज़ें हैं, जैसे वो सारा ट्रे क्या है, फुल। तो इसे आप क्या कहोगे, फुल। और एक लड़का है, उसने भी एक ट्रे पकड़ा हुआ है पर उस ट्रे में कुछ नहीं है, तो इसे कहेंगे इम्पटी। इम्पटी मीन्स होता है खाली, फुल मीन्स होता है भरा हुआ। यहाँ पे दिया हुआ है फुल मीन्स भरा हुआ, इम्पटी मीन्स खाली। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए दिया हुआ है सर्कल द आइटम दैट आर फुल, क्रॉस द आइटम दैट आर इम्पटी। तो बच्चों यहाँ पे जैसे दिया हुआ नेस्ट है, तो इस नेस्ट में कुछ नहीं है, तो इसे आप क्या करोगे, क्रॉस करेंगे। जैसे कि एक ग्लास दिया हुआ है, ग्लास में जूस है, तो उसे आप क्या करोगे, मतलब ये भरा हुआ है, तो इसे आप क्या करोगे, सर्कल करेंगे। तो इसे कुछ इस तरीके से आप सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पे एक बैग है, बैग में कुछ वेजिटेबल्स रखा हुए हैं, तो ये बैग वेजिटेबल और फ्रूट से भरा हुआ है, तो इसे आप क्या कहोगे, फूल है। तो फूल है तो इसे आप क्या करोगे, सर्कल करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको सर्कल करना है। यहाँ एक डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन के अंदर कुछ नहीं है, मतलब ये खाली है। खाली मीन्स क्या होता है, इम्पटी। इम्पटी है तो इसको आप क्या करोगे, क्रॉस करेंगे। यहाँ एक बाउल्स दिया हुआ है, बाउल्स में यहाँ पे एक कुछ नहीं है, मतलब खाली है, तो इसे आप क्या करोगे, क्रॉस करेंगे। यहाँ पे एक शेल्फ दिया हुआ है, शेल्फ में इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, मतलब ये शेल्फ भरा हुआ है, तो इसे आप क्या करोगे, सर्कल करेंगे। इसी तरीके से बच्चों आपको मैथ करना है और फॉर एग्ज़ाम्पल करके मुझे बताना है। थैंक यू स्टूडेंट।